दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्रों को नमन किया। इस मौके पर और अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी के लिए यह दिन सिख गुरुओं के प्रति और गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान वह एक प्रेरणा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने चार साहिबजादों को भारत के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान किया। चार चार पुत्र भारत के धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान होते हैं। माता गुजरी ने अंतिम समय तक रक्षा का दायित्व निभाया और स्वयं को परमात्मा में लीन कर लिया। इस दौरान उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए पंजाब हमेशा एक दीवार बनकर के खड़ा होता रहा है और मुझे लगता है कि हम सबको इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उस पर हम सबको सामूहिक रूप से अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 62वें अधिवेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कोरोना को लेकर कहा कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत के साथ उत्तर प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी चुनौती के रूप में तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। सर, कोविड को लेकर के पूरी तरह से हम लोगों ने प्रदेश में अलर्ट मोड घोषित किया है। अभी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में दिक्कतों को देखते हुए, हाहाकार को देखते हुए हमने भीड़भाड़ वाले जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी है, अस्पतालों में आवश्यक कर दिया है। मंगलवार को पूरे प्रदेश के सभी अस्पतालों में हम मास्क ड्रिल करने जा रहे हैं। जो हमारे उपकरण हैं, चाहे हमारे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं ऑक्सीजन के, और जो उपकरण हैं उनको चुस्त दुरुस्त करेंगे। इधर हमीरपुर जनपद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। वही मारपीट के दौरान एक युवक जख्मी हो गया। आपको बता दें कि देवर को बचाने आई गर्भवती भाभी के पेट पर आरोपियों ने वार कर दिया, जिससे गर्भ में पल रहा 2 माह का बच्चा गर्भ में ही उसकी मौत हो गई और मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में एक SBI ग्राहक सेवा केंद्र